जय सियाराम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल, जय जिनेंद्र। सभी मित्रों का एक और बार में हार्दिक स्वागत करता हूँ। चर्चा कर लेते हैं फटाफट एनजी नेचुरल गैस और क्रूड के बारे में। तो पहले बात कर लेते हैं नेचुरल गैस के ऊपर। काफी बड़ा करेक्शन जो है वो हो चुका है। हमने एक 245-246 का एक रेजिस्टेंस चर्चा किया था बहुत टाइम पहले, 20 तारीख के आसपास। वहां से भी एक अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है और अभी ये करेक्शन चल रहा है। एक लेवल ये भी चर्चा किया था कि जब तक 262 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक तेजी हो पाना मुश्किल है। अब वो लेवल से तो अभी काफी दूर है, तो हम एक छोटी सी रेंज जो है वो पकड़ने का ये वीडियो में प्रयास करते हैं। तो अभी कुछ क्लोजिंग हुआ है 195 के आसपास, बेहतरीन सपोर्ट से उछाल लेने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से अभी एक रेंज जो मेरे ध्यान में आई है वो है नीचे में 180 के आसपास, एक अच्छा सपोर्ट है। 185 पहला सपोर्ट है, उसके नीचे जो है वो 180। ये ब्रॉडर ट्रेंड की चर्चा कर रहा हूँ, छोटे ट्रेंड की चर्चा मंडे टू फ्राइडे वाले वीडियो में सुबह 10:30 बजे के आसपास जो आता है उसके अंदर हम चर्चा करेंगे। तो ये बात का आप जो है वो ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेता हूँ उसके रेजिस्टेंस के ऊपर। तो जब तक मेरा मानना है 208 208 ये वाले लेवल के ऊपर नहीं जाएगा एनजी, रुकेगा नहीं, तब तक जो उछाल आएंगे दूध के उबाल की तरह हम समझ सकते हैं कि उछाल आएंगे, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होगी। सस्टेनेबल तेजी होने के लिए एनजी को 208 के ऊपर चलना काफी जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज जो है वो हमें एकदम बिल्कुल साफ ध्यान में रखनी चाहिए। 208 के ऊपर जाने के बाद ही कुछ जो है वो नया तेजी का दौर जो है वो शुरू हो सकता है। तो ये चीज जो है वो हमें थोड़ा सा सावधानी से समझनी चाहिए। एक दो तीन दिन से एक लेवल हमने चर्चा किया हुआ है एनजी में, जो सुबह का वीडियो आता है उसके अंदर 7075, ये वाला लेवल जो है वो एक काफी बड़ा लेवल है, काफी बड़ा रेजिस्टेंस है। तो लगभग दो तीन बार जो है वो उन्हीं लेवल के आसपास आके वहां से पलटने की कोशिश कर रहा है। तो एक चीज जो मुझे दिख रही है वो ये है दोस्तों कि जब तक वो लेवल के ऊपर जाके रुकता नहीं है तब तक नई तेजी हो पाना मुश्किल है। 6200 से जो हमने चर्चा करी थी कि धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा, वो तेजी या तो यहाँ पर समाप्त होगी, ध्यान से सुनना दोस्तों जो बता रहा हूँ, या तो वो तेजी ये लेवल के आसपास समाप्त होगी या फिर यहाँ से नई तेजी की शुरुआत होगी। उसका सिग्नल कब मिलेगा हमें कैसे समझना है? तो 7075 ये वाले लेवल के ऊपर चलता है तो हम समझ सकते हैं कि एक जो है वो यहाँ से ऊपर जाने की संभावना बन सकती है। और बी बी का नियम जो है वो आप यहाँ पर ये वाले लेवल पर जरूर जरूर लगा देना, 7075 के आसपास। बी बी का नियम क्या है वो डिटेल में लाइव मार्केट पर चर्चा है उसके अंदर समझाया, क्योंकि दोस्तों आधे घंटे के आसपास जो है वो उसमें डिटेल में उसके बारीकियाँ जो है वो समझाई है। तो वो अगर आप देखना चाहो तो वीडियो के फॉर्म के अंदर लाइव मार्केट पर चर्चा करते हैं, तो अगर आप जुड़ पाओ तो अच्छी बात है, अगर ना जुड़ पाओ तो उसका वीडियो भी बन जाता है और वो भी आप कभी भी देख सकते हो। हमारी एप्लीकेशन के ऊपर पूरी फैसिलिटी अवेलेबल है, तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा हमारी एप्लीकेशन का, वो लिंक ओपन करके जो है वो आप लाइव मार्केट पर चर्चा वाला प्रोग्राम जो है वो उसके अंदर आप जुड़ सकते हो। तो अभी जो है वो सपोर्ट की चर्चा कर लेता हूँ। तो पहला सपोर्ट रहेगा 6920, दूसरा सपोर्ट रहेगा 6880 के आसपास, मतलब एक दायरा भी समझ सकते हो 40 पॉइंट के आसपास एक छोटा सा दायरा है, छोटा सा सपोर्ट जोन है। ये सपोर्ट जोन के तोड़ने के बाद नीचे रुकता है तो फिर यहाँ से करेक्शन थोड़ा सा खराबी बढ़ सकती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जब तक ये 7075 के ऊपर जाकर रुकता नहीं है तब तक तेजी में अब मुश्किलें बनी रहेगी। ये दो तीन दिन पहले भी चर्चा करी थी और लगभग जो है वो वही 3 दिन से वही कामकाज अभी कर रहा है, ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ पर करता हूँ समाप्त। अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो में बने रहे इसके लिए सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।